नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती सिटी न्यूज। दोस्तों, अमरावती में जब जब बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, तब तब प्रशासकीय लापरवाही और लाचार प्रणाली उजागर हुई है। शुक्रवार को उस्मानिया मस्जिद के सामने शिवाजी कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लगने से फिर एक बार प्रशासन की पोल खुली। यहां एक क्लिनिक में लगी आग की लपेटे और धुएं के चक्रव्यूह से 400 छात्र छात्राएं बाल बाल बचे। दमकल व पुलिस की तत्परता से बड़ा अनर्थ टला। फिर एक बार फायर ऑडिट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की भ्रष्ट और नाकारा नीति भी इस आग के जरिए सामने आई है। उस्मानिया मस्जिद के सामने भव्य शिवाजी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इन दिनों मुस्लिम बांधवों का रमजान माह और रोजा चल रहा है। रमजान के पहले जुम्मे की नमाज रहने से उस्मानिया मस्जिद में समाज बंधुओं की भीड़ थी। मस्जिद के सामने शिवाजी कॉम्प्लेक्स के दूसरी मंजिल पर डॉक्टर रितेश विश्वकर्मा के क्लिनिक से आग व धुआं नजर आया। धीरे धीरे काला धुआं और आग की लपेटे फैलने लगी। आग ने रौद्र रूप धारण किया और लता इंडस्ट्री को भी पूरी तरह से अपने चपेटे में ले लिया। इस बात की सूचना तत्काल सिटी कोतवाली और दमकल विभाग को दी गई। उसी दौरान क्लिनिक के ऊपर बंसल कोचिंग क्लासेस में जेईई नेट के करीब 400 छात्र छात्राएं मौजूद थे। आग की आहट लगते ही भगदड़ मची और कोचिंग क्लास के संचालक और दुकानदारों ने पीछे के रास्ते से एक एक कर सभी छात्रों को बाहर निकाला और अपने अपने वाहनों से रवाना कर दिया। कोचिंग क्लासेस में एक समय में 400 छात्र रहने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा था। कोचिंग क्लास जाने के लिए होम्योपैथिक क्लिनिक के सामने से रास्ता है, जो आग और धुएं में तब्दील हो चुका था। सौभाग्य से सभी छात्र सुरक्षित निकल गए। जरा सी भी चूक होती तो बड़ा अनर्थ होता। इस बीच दमकल के 7 वाहनों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगजनी में लाखों का नुकसान होने का प्राथमिक अंदाज है। इस आगजनी की घटना से फिर एक बार फायर ऑडिट पर सवाल पूछे जा रहे हैं। दमकल वाहनों को ऊपर जाने के लिए कोई व्यवस्था या सीढ़ी भी नहीं थी, फिर भी दमकल कर्मियों ने जाबाजी के साथ आग पर काबू पाया। इस आगजनी की घटना से प्रशासक की कई नाकामियां उजागर हुई है। चलो तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अमरावती सिटी न्यूज़।